പൂജനെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആത്മാനവരെ അതിനെ ചുറ്റാർക്കുന്നാരാ പൊന്നാജി. सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राकेश सिंह साहब कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी. इनके बाद प्रेमी राम मेहरोड नरेश जी साहब भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी. धनन सतगुरु तेरा ही आसरा. धनन सतगुरु तेरा ही आसरा. सुन ए भाई प्यारे जी प्यारे, 84 लाख में सबसे प्यारे दुनिया में आया जन्म ये पाया, इसलिए पाया जन्म. सुनिए भाई प्यारे प्यारे, 84 लाख में सबसे प्यारे दुनिया में आया जन्म ये पाया, इसलिए पाया जन्म. जन्म ये तुम्हारा किराया दे बोली जन्म. संतों पुकारा नूर खुदाता कर ले अच्छे कर्म. ये भाई प्यारे प्यारे, ये तो विचारा कई कब तो तरीने नाम सिमरने लिए मिलाए जन्म. सुनिए भाई प्यारे प्यारे, कर मारा बना है ये डराई वही चले न चारा वो तो मारा पाने न दे ये निज गई. सुनिए भाई प्यारे जी प्यारे, कहे नाम लेने पे भाई लगते न कोई बिता. धर्म न छुड़ाई पैसा न पाई पहुँचे जानी जिदा. सुनिए भाई प्यारी प्यारी, 84 लाख पे सबसे प्यारी दुनिया में आया जन्म ये पाया, इसलिए पाया जन्म, इसलिए पाया जन्म, इसलिए पाया जन्म. धन सतगुरु तेरा ही आसरा.
धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम मेहरोर नरेश जी इंसान भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरे। तेरा जलवा मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है। तेरा जलवा मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तेरा देख लेना शबाब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तेरा देख लेना शबाब है। तसव्वुरात की महफिल सजाए बैठे हैं, तेरे ख्याल को जन्नत बनाए बैठे। खुदा कसम यही महसूस हो रहा है हमें कि जैसे वो मेरे पास आए बैठे। दयार ईस में सर को झुकाए बैठे हैं, 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 दयार ईस में सर को झुकाए करम के आज सनम, ओ करम के आज सनम दे लगाए बैठे हैं, करम के आज सनम दे लगाए बैठे हैं, करम के आज दे लगाए बैठे हैं। करम की एक नजर जिस पे डाल दी तूने, करम की एक करम की करम के करम के साकिया मुझ कदर दे उल्फत मुझ पर कदा की किस्मत अजा करम के कहा थका बिन हुजूर की बंद परवरी है। करम के करम के करम के नजर जिस पे डाल दी तूने, करम की डाल दी तूने वो आज सारे जमा, वो आज सारे जमाने पे छाए बैठे हैं, वो आज सारे जमाने पे छाए बैठे हैं, वो आज सारे जमाने पे छाए बैठे हैं। सुना है जब से के वो कसरी बुलाने वाले, सुना है जब से, सुना है जब से, सुना है जब से, सुना है
जब से तशरीफ लाने वाले हो सुना है जब से वो तशरीफ लाने वाले हैं सुना है जब से वो तशरीफ लाने वाले हैं दीवाने रामे दीवाने रामे पल के बिछाए बैठे दीवाने रामे पल के बिछाए बैठे दीवाने रामे पल के बिछाए बैठे चराग दिल में जला कर तेरी महाबत के चराग दिल में 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 कर तेरी महाबत के दिल में जला कर तेरी महाबत के चराग दिल में जला कर तेरी महाबत के तुम्हारी बदले तुम्हारी बदले हर बात सजाए बैठे तुम्हारी बदले हर बात सजाए बैठे हैं तुम्हारी पद में अरमा सजाए बैठे हैं ये सच है गीत की दौलत उन्हें हुई हासिल ये सच है गीत की दौलत उन्हें हुई हासिल ये सच है गीत की दौलत उन्हें हुई हासिल दौलत उन्हें हुई हासिल ये सच हदीद की दौलत उन्हें हुई हासिल जो तेरे ईश में वो जो तेरे ईश में सब कुछ लुटाए बैठे जो तेरे ईश में सब कुछ लुटाए बैठे जो तेरे ईश में सब कुछ लुटाए बैठे लगाए बैठे कर्म के पास कदम ये लगाए बैठे धन धन सदगुरु धन धन सदगुरु तेरे धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा मेरे दिल ते छाया रहंदा है अखियां च समाया रहंदा है दिल ते छाया रहंदा है अखियां च समाया मेरे दिल ते छाया रहंदा है अखियां च समाया रहंदा है यादां विच आया रहंदा है कद चेता नहीं भुलदा खुद प्यार बराबर खुद प्यार बराबर खुद प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं भुलदा प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं भुलदा किसे दा प्यार नहीं भुलदा सरिया में पैर जदों सजना दी जूते रंगियों दे प्यार वाला चढ़ गया रूते रंगियों दे प्यार वाला चढ़ गया रूते गजब दा चेहरे ते लग सूरज चिकनी बनेरे ते कि मेरी जिप आओ मेरे ते मैं
तो पीत नहीं खुलता मुझे प्यार बराबर प्यार बराबर हो किसे का प्यार नहीं खुलता लग गया दिल जीदे नाल सी लगना एहो जेहा सोना तो जहान च नी लबना एहो जेहा सोना तो जहान च नी लबना कोई कमली मैं ना सोचिए रू इश्क न कीती रोगिए मेरा सोना जोगिए मुख अमृत है दुलना खुद प्यार बराबर प्यार बराबर हो किसे का प्यार नहीं खुलना दिल जो महल विच दिल दे महल विच वाका सोने यार दा रोम रोम विच गुंजे हासा सोने यार दा रोम रोम विच गुंजे हासा सोने यार दा इश्क भी ओ मेरा प्यार भी ओ मेरी दुनिया मेरा संसार भी ओ मेरा रब भी ओ दिलदार भी ओ जाए साह विच खुलदा खुद प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं खुलदा अपनी बना लिया है मेरे जेही कूड़ नू मैं मथे नाल लावा दे चरना दी धूड़ नू मैं मथे नाल लावा दे चरना दी धूड़ नू शास्त नाम जिनू मेरा सजदा होवे दर्श जिना चो रबदा मिन बड़ा ही चंगा लगदा दाग जद रूदा है तुलदा खुद प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं तुलदा किसे दा प्यार नहीं तुलदा किसे दा प्यार नहीं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जी सत्संग इस घोर कल युग में मरती हुई इंसानियत के लिए मर्त संजीवनी है जो जीवात्मा को बुलंदियों पर ले जा सकती है जो मरती हुई इंसानियत को जिंदा कर सकती है और इंसानियत के बढ़ते ही परमपिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लगते हैं। आज का दौर पशुवर्ती का है, शैतानियत का है। इंसानियत जिंदा उन्हीं है जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिनका प्रभु से प्यार है, वरना इंसानियत मरती जा रही है। इंसान खुद गर्जी के लिए, स्वार्थ के लिए हर हद से गिर रहा है। ऐसे दौर में, ऐसे समय में सत्संग ही एकमात्र उपाय है, सत्संग ही एकमात्र तरीका है जिससे इंसानियत को जिंदा रखा जा सके, जिससे इंसान इंसानियत से संपन्न होके भगवान के दर्शन कर सके। आज इंसानियत रसताल में जा रही है, दया रहम की भावना खत्म होती जा रही है। चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए इंसान हर तरह से गिर रहा है। हमने गिरते हुए इंसान को देखा है, पहले देखा करते
कुछ रुपयों के लिए आदमी औरत यानी 10 रुपए 20 रुपए उस समय शायद बड़े होते होंगे आज 100 कह लो इंसान अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं. इससे घटिया कलयुग और क्या हो सकता है, या इससे घटिया इंसानियत का शर्मनाक कारनामा और क्या हो सकता है कि चंद रुपयों के लिए लोग अपना दीन ईमान मजहब बदल देते हैं. तो ऐसा घोर कलयुग का समय है, ऐसा भयानक समय है कि इस समय में सत्संग एकमात्र उपाय है जिसमें आके जीव बैठे सुने अमल करे तो आवागमन से मुक्ति संभव है. सुन के अमल करे, इंसानियत जिंदा रहे और दया रहम की भावना बढ़ जाए और इंसान दोनों जहां में खुशियों का हकदार बनता चला जाए. तो अगर आप अपने गम दुख दर्द चिंता मिटाना चाहते हैं, अगर वाकई अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बनाना चाहते हैं तो इंसानियत को जिंदा करो. मर रही भावना जो आज लोग खुद गर्जी की वजह से सब कुछ बुला रहे हैं उसे दोबारा जिंदा करना होगा और जिंदा करने का एकमात्र उपाय सुमरन है. सुमरन के पक्के बनना होगा, बन के देख लो आप 2-4 महीने पक्का घंटा सुबह शाम सुमरन कीजिए, अंदर से माली के नजारे आने शुरू हो जाएंगे, उसकी खुशबुओं से आपकी फिजा महक जाएगी, आपकी आत्मा नाच उठेगी. तो राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब जो मर्जी नाम लें उसका, पर उसका जाप करें. जाप करने से ही आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आत्मविश्वास से ही मन से लड़ा जा सकता है. वरना जब इंसान का मन हावी होता है, बिगड़ा मन गुरु का ना वीर का, वो किसी का नहीं बनता. माँ बाप बहन भाई का तो क्या बनना है, जब मन बिगड़ने पर जाए तो गुरु पीर का नहीं बनता. तो ऐसे समय में सत्संग सुनो और अमल करो तो बिगड़ा हुआ मन सुधर सकता है, बिगड़े हुए मन के नकेल डाली जा सकती है. तो भाई जितना संभव हो राम नाम का जाप करो, सत्संग सुनो ताकि मन की गतियां रुक जाएं, आत्मा जाग जाए और आत्मा के सहारे आप खंड ब्रह्मंडों को पार करते हुए निज धाम के नजारे लूट सकें, जीते जी इस मृत्यु लोक में परमानंद की आपको प्राप्ति हो सके. तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात करने वाले बोलो भाई बात करो. पिति धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा. पिति मैं आदमी की बेटी सीमा सिडनी से. पिति आप ठीक हो? देवराज की रहमत है बेटा, आप सुनाओ. पिति सिडनी की सारी सात संगत की तरफ से आपको गुरुगद्दी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो. पिति आपको आशीर्वाद बेटा. पिति आप जी हर पल हमारे साथ रहते हो. पिति एक माँ अपने बच्चे के पास रहकर उतना इतना ख्याल नहीं कर सकती. पिति आप सात समुन्द्र पार फिर भी अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखते हो. पिति एक खरोच नहीं आने देते. पर पिति हम सब कुछ जानते हुए भी कई बार इतनी खुदगर्ज हो जाते हैं कि कभी उस पर पिता परमात्मा के बारे में ख्याल नहीं करते. पिति कभी नहीं सोचते. पिति इतना टाइम हो गया हमारी उस परमात्मा से बात नहीं हुई, उनके दर्शन नहीं हुए. पिति प्लीज आप भी ऐसी तड़प लगा दो. पिति हमारा सारा ध्यान अपने सतगुरु मौला में रहे. कौन क्या कर रहा है हमें किसी से कुछ लेना देना हो. पिति प्लीज सुमन करो बेटा, सुबह शाम सुमन के पक्के बनो और परमार्थ में तन मन धन से सेवा किया करो तो अपने सदगुरु मौला से और निभाई जा सकती है. जी पिति. पिति मेरी सिस्टर अन्नू इंडिया में है, वो बैंकिंग के काफी एग्जाम दे चुकी है. पिति कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा. पिति आप भी प्लीज मार्गदर्शन करो, वो अपना फील्ड चेंज करे, वो यहाँ पर आए. बेटा सुमन करें और सुमन मालिक बताने वाले हैं, वैसे जिसमें ज्यादा स्कोप है वो लगातार करें, मालिक साथ देंगे बेटा. जी पिति. और पिति रितु यहाँ अपने शास्त्रनाम जी कॉलेज में डीसीए फाइनल ईयर में है. पिति उसको भी आशीर्वाद दो कि वो खूब सेवा सिमरन में परमात करे, वह अच्छे मार्क्स ले. एक बार वो टेंशन ले लेती है पिति रिजल्ट अच्छे ना आने की वजह से. जी बेटा उसको भी आशीर्वाद, लगन से पढ़ो बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद. पिति आप जी हमारी भावनाओं की इतनी कदर करते हो. पिति हम अक्षरों में बयान नहीं कर सकते. पिति जब मैं अप्रैल में इंडिया आई थी, मैंने आप जी से जाने के टाइम पर आशीर्वाद नहीं मिला था.
मैं बहुत सोच रही थी कि कैसे कैसे चले जाऊं, किसी से इजाजत नहीं मिली और किसी अब टूर पे चले गए हैं। दीदी मैं ऐसे ही सोच रही थी किसी, तभी आप जी ने हमें दर्शन दिए दीदी और पूछा बेटा आप जाना चाहते हो किसी, आप जी ने हमें आशीर्वाद दिया और इजाजत दी किसी जाने की। किसी भी सुबह उठ के इतनी खुश किसी, दिल को तसल्ली मिल गई, किसी ने आशीर्वाद दे दिया दीदी। थैंक यू सो मच किसी जी। बेटा आशीर्वाद, बेटा आशीर्वाद। पिती जो नए शब्द आप जी ने गाए हैं, पिती झांझर इश्के दी केसरिया, पिती चश्मा, पिती इतनी अच्छी फीलिंग देते हैं, पिती कुछ तो इतने धमाकेदार हैं जो डांस करने में भी मजा आ जाता है और कुछ बहुत प्यारी फीलिंग देते हैं अपने ससुर के लिए। पिती आई एम रियली थैंक यू फॉर दैट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट पिती जी। बेटा मालिकी करवाने वाले हैं और सास संगत के लिए करवाते हैं बेटा, आपको खुशी मिलती है, यही बेबरा जी की रहमत है बेटा। और पिटी मैगजीन में भी जो स्वरूप है पिटी एक से बढ़कर एक है, जिनके लिए कोई शब्द नहीं पिटी, पिटी रियली अमेजिंग पिटी जी बेटा। और पिटी जिन में आप जी से मिली थी तो उसके लिए मैंने एक कुछ लाइनें लिखी है पिटी, प्लीज सुना दे जी। उनसे मिलने के इंतजार में बैठे थे हम और धड़कन हमसे ये कह रही थी खुशी के मारे कहीं मैं पागल ना हो जाऊं आज, क्योंकि अपने सतगुरु की पवित्र दृष्टि मुझ पे डलने जा रही थी। जब वो आए हमारे पास तो निगाहें उन्हें देखती जा रही थी, उनकी मीठी आवाज मुझे जैसे कुछ कह रही थी, उनके चेहरे की चमक काम बिजली का कर रही थी। वो आगे जा चुके थे मगर खुशबू अभी भी आ रही थी, खुशबू अभी भी आ रही थी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम जी। बेटा आशीर्वाद, बेटा आशीवाद। पिती वृंदा मेरे साथ है, पिती हम दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दो, पिती हम आप जी के अस्ते पे बहुत नेक बच्चे बने, पिती और हलवा बनाया पिती, प्लीज प्रसाद बना पिती। बच्चनों भी रह के आगे बढ़ो बेटा, सुन करो और प्रसाद बन गए सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनो मन लगाए, आशीर्वाद बेटा। थैंक यू पिती, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद जी। बेटा देश विदेश में सात संगत अपना काम धंधा करते हुए 438 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1587 लाइव वीडियो कनेक्शन में हजारों की तादाद में सात संगत लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जसविंदर इन सब ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया लाइव मैसेज, अनजाने में नॉन वेज की माफी, वे आईलेट्स के एग्जाम के लिए आशीर्वाद चाहता हूं, और नॉन वेज के लिए नारा लगा दीजिए और लगातार आगे बढ़िए बेटा, सुन कीजिए मालिक साथ हैं जी। डॉक्टर सोलोमन ताबिल मैनेजमेंट एंड फिनिशियल सलाहकार ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और साथ में प्रेमी संजीव इंसा 15 मेंबर ऑस्ट्रेलिया के साथ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे और बाद में प्रसाद लीजिए, आशीर्वाद स्वागत। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और ये दिन दुखी मंदिर बैंक में 1000 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का 7 और शरीर दान का 7 मेंबर पर करें, दोनों दान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम सतीश इंसा, पुत्र राजकुमार इंसा जी का निवासी हिसार, जिला हिसार हरियाणा, लड़की अपने स्कूल की एक स्टूडेंट है जी। लड़की का नाम निर्मल इंसा, पुत्री हवा सिंह इंसा जी की निवासी सरसा, जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये नौजवान शाह साहब जी कितने से पहले फिर वोट स्विंग का मेंबर है जी, उसी वर्दी को सबसे बड़े तोहफा समझा, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और ये शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन दुखी मदद करना नहीं भूलते, ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। शाह साहब जी कितने से पहले फिर वोट स्विंग का परिचालन 10 सेवादार खड़े हो जी, भाई बहन
بنگی داس کا پرشال لینے والا ایک اور انسانی کی سیوا مہا بیان کے فارم بھرنے والے 33 کھڑے ہو جائیں. دھنیا ماں باپ جن کے پریوار سیوا میں آگے آتے ہیں, اور دھنیا وہ کل ہو جاتی ہے جب یہ سیوا کرتے اور نبھاتے ہیں. سو پرشال لیے جور شور سے سیوا کرنا, مالک گھروں میں خوشیاں بخشے. سو جور سے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ, آشیرواد پرشال لینا. گھر جانے والے سیوا دار کھڑے ہوتے جائیں. سادن کی سیوا والے بھائی بہن بلاک سیون سے 15 گام کوٹلی سے 75 رامانسی پورا سے 30 نابا سے 14 ایک سے 7 دن کی سیوا. اور جتنی سیوا کی سیوا سیمن ستسنگ کا پھل بڑھ چڑھ کے مالک آپ کو بخشے, گھروں میں خوشیاں دے, سیوا سیمن من لگے, سارے پریوار کو کہنا پتہ نے آشیرواد بھیجا. پرشاد لے جانا, نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں آشیرواد. فوجی جودھا سنگھ ان سبھی کا نیر سے آئے ہیں جی. سواگت بیٹا جی آیا نو, مالک خوشیاں بخشے, آشیرواد پرشاد لے لے. آشیرواد بیٹا جی آیا نو. بیمار بھی بیماروں کے لیے پرشاد لے کے جانا. مالک سے پرارتھنا ونتی دعا کر کے یہ پرشاد دیتے. جتنی بار دوائی لینے پہلے آدھا گھنٹہ نام جپنا, کینسر یا لائی لاز بیماری دن رات مالک کا نام جپو, پھر دوائی لو. مانتے لاکھوں لوگ ٹھیک ہوتے, کرنے والا مالک ماننا آپ نے ہیں. اور باقی کینسر یا لائی لاز بیماری دن رات مالک کا نام جپو, پھر دوائی لو. مانتے لاکھوں لوگ ٹھیک ہوتے, کرنے والا مالک ماننا آپ نے ہیں جی. اور آرتھک طور پہ جو کمزور ہیں ان کا علاج ساتھ سنگتی کی طرف سے بالکل کریے. آپ 50 نمبر میں مل لیجیے. کھانے پینے کے انجانے میں جن سے غلطی ہوئی وہ بیٹھے بیٹھے نعرہ بول دو, مالک معاف کریں گے. 3 پرہیجوں میں پتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی, جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. پہلی بار جن سے غلطی ہوگی ادھر ادھر مت دیکھو, اپنی جگہ پہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. ابھی کھڑے ہونا ہوتا ہے, بعد میں کھڑے نہیں ہونا, اور کھڑے رہنا ہے, بیٹھنا نہیں. اگر کھڑے ہوگے تو کھڑے رہو, جلدی کرو, بعد میں کھڑے نہیں ہونا ہوتا, کھڑے ہو جاؤ. تو آپ کو آشیرواد کہہ رہے ہیں, آشیرواد آشیرواد. بچنوں میں غلطی نہیں کرنی چاہیے, خوشیاں سب چلی جاتی ہیں. سو نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں, جلدی بیٹھا کرو, مالک معاف کرنے والے ہیں. آئندہ بچنوں میں غلطی نہ کریں اور سمر کریں. لوکٹ گمو پاکھنڈوں میں پڑے شراب پلائی سے اوپر نیا بری سنگت میں پڑے سملنگتا کی رشوت دی. نعرہ لگا پورا نہیں کیا, نام شبد میں دوبارہ بیٹھے, پرشاد خراب ہو, خوشی بتائی, دانت گم ہوئی, کھڑے ہو کے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ. جنہوں نے یہ لکھا ہے اور بیٹھ جائیں, آئندہ سے پورا خیال رکھیے. دوسرے اور معافی لینی, 2 مہینے سمن کیا دیپک انسان, وہ کھڑے ہو جائیں. دیپک, اور تھی دیپک ہو, بیٹھو نیچے بیٹھو, آپ دیپک ہو. تو لگاتار سمن کرو اور بچنوں پہ رہو بیٹا, سمن کرتے رہو, مالک رحمت کرنے والے ہیں. نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ. صبح 6 سے رات کے 10 بجے تک اور سر سے رات جو سیوا کرتے ہیں, مالک سے پرارتھنا منتی دعا کر کے الگ سے پرساد دیتے ہیں, مالک الگ سے خوشیوں سے نمازیں. پوجے پتا جی پاون گرگدی نشنی مہاپروپکار دیوس 23 ستمبر کی خوشی میں 53 بہن بھائیوں نے دین دکھی مدد بینک میں پیسہ جمع کروا دیا ہے جی. کھڑے ہو جائیے. سیوا سمے من لگے, گھروں میں خوشیاں, مالک سے پیر بڑے, مالک رحم و کرم سے نوازے. سو نعرہ لگا کے بیٹھ جائیے آشیرواد. جن کے پریوار میں کسی نے چھوڑا چھوڑا, اس سے 5 پریوار ہیں, سبھی نے نام لیا تھا. کھڑے ہو جائیں جی. سادل شہر شری گنگا نگر سے, یہ بینک میں 175 روپے جمع کرے تھے. بریٹا مانسا سے, شاست رام جی پورا سرسا سے, 25 ممبر جگویر جی انسا ہریانہ, اور شریر دان ہوا جی, شریر دان مہادان, اور دین دکھے مدد بینک میں 51,000 روپے جمع کروا دیا آشیرواد. ہری پورا فتح آباد سے آئے ہیں, اور دین دکھے مدد بینک میں 1,240 روپے جمع کروا دیا آشیرواد. باقی جلال آباد سے آئے ہیں, پریوار دونوں طرف ہیں, نام ریکارڈ میں چڑھ کے کھڑے ہو جائیں جی. تو بیٹا جس نے نام لیا تھا وہ آتما مالک کی گود میں بیٹھ کے نام سچکن سکلوں کا نام جو ضرور جاتی ہے. آستیاں پھل لے کے آئے ہوں, یا تو خود کا کھیت گہرا گڈھا خود کے وہاں دبا دو, یا بڑی نہر ندی میں نعرہ لگا کے پرواہ کر دو. یہ تو مٹی آتما کو مالک جو نام لے کے جاتے ہیں. سو پرشاد لے لو, پرشاد لینے کے بعد بیٹھنا. جو زخم دیتا ہے مرم ضرور دیتا ہے. اور جو 25 ممبر یا ایسے پرماننٹ سیوا کرتے ہوئے جاتے ہیں, مالک بے انتہا انہیں خوشیاں بخشتے ہیں, کلوں کا بھی ادھار ہوتا ہے. سو آشیرواد بیٹا, بعد پرشاد لے لیجیے اور نعرہ لگا کے بیٹھ جائیے. نشہ چھوڑنے کوئی آیا ہو, 7 دن کے لیے رکنا ہے, پریوار کا ایک آدمی ساتھ رہے, رہنا فری کھانا فری, لیکن خیال رکھنا پریوار کا ایک آدمی 7 دن ساتھ رہے. اور جب نشہ چھوڑ کے جانا, یار دو جو نشیڑی ان کا سنگ ان کی صحبت ہرگز نہیں کرنا چاہیے. پرشاد لے لینا بعد میں, اور ساتھ سے میں شادی کا کارڈ کپڑے ہر چوبی پہن, پرشاد چھوٹا بچہ پڑھائی کے لیے آشیرواد لینا ہے, بیٹھے بیٹھے سامان اوپر کر لو. ساری ساتھ سنگت کو اچھے نیک کاموں کے لیے آشیرواد, آشیرواد سامان نیچے کر لیجیے.
तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए आप सबका पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी आयनो खुशाम दिल कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह मोहब्बत से सजे रहने उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं रहने का जैसे सेवादर भाई बताएं रहना सेवा करना आराम करना है पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा सज रहिएगा जी। धन्यवाद सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।